नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने नानावटी अस्पताल से अब एक ट्वीट किया है और दुआओं और प्यार के लिए तमाम फैंस और चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया है। दरअसल अमिताभ समेत बच्चन परिवार के 4 सदस्य अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और 8 साल की अभिषेक ऐश्वर्या की बेटी आराध्या बच्चन का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि अभिषेक और अमिताभ हल्के लक्षण होने की वजह से अस्पताल में हैं, जबकि ऐश्वर्या और आराध्या को कोरोना के लक्षण नहीं के बराबर हैं। ऐसे में वो दोनों घर पर ही आइसोलेशन में हैं। बच्चन परिवार के कोरोना की चपेट में आने की खबर के साथ ही उनके चाहने वाले उनकी चिंता में डूब गए और दुआओं का दौर भी शुरू हो गया। आम से लेकर खास तक सभी ने अमिताभ और उनके परिवार के जल्द सेहतमंद होने की कामना की है। अब अमिताभ ने खुद ही ट्वीट के जरिए अपने सभी चाहने वालों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने रविवार रात एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में बिग बी ने लिखा, मेरी अटूट कृतज्ञता और प्यार उनके लिए जिन्होंने अभिषेक ऐश्वर्या आराध्या और मेरे लिए दुआएं की, मुरादे मांगी और फिक्र का इजहार किया। वो सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएं अभिषेक ऐश्वर्या आराध्या और मुझे व्यक्त की है, मेरा हृदय पूर्वक आभार। वहीं अमिताभ बच्चन ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, मेरे लिए उन तमाम दुआओं और शुभकामनाओं का जवाब देना तो मुमकिन नहीं है जिसमें अभिषेक ऐश्वर्या आराध्या और मेरे प्रति चिंता व्यक्त की गई। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, शुक्रिया आपके शाश्वत प्रेम और स्नेह के लिए। बता दें कि राहत की बात यह है कि अमिताभ बच्चन और पूरे परिवार की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।